नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चीन अपने उत्तर पश्चिम इलाके के रेगिस्तान में 119 नए मिसाइल साइलो बना रहा है। चीन के इस चाल की पोल सैटेलाइट तस्वीरों से खुली है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर ढेर सारे साइलो दिख रहे हैं। साइलो एक लंबा गहरा और सिलेंडर जैसा गड्ढा होता है जिसके अंदर अंतर महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर इस साइलो का ढक्कन खोलकर यहीं से मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम में यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। व्यावसायिक सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन अपने देश के अंदर 119 अंतर महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल के साइलो बना रहा है। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती है। हालांकि किसी को यह नहीं पता है कि इन साइलो में मिसाइल है या नहीं। अगर मिसाइल है भी तो क्या उनके ऊपर परमाणु हथियार लगे हैं या नहीं। कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी स्थित जेम्स मॉडर्न सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज के रिसर्चर्स ने प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों की जांच की। उसमें चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित यूमेन शहर के रेगिस्तान में मिसाइल साइलो देखे गए हैं। ये साइलो एक विंड फॉर्म के बगल में बनाए गए हैं। प्लैनेट लैब्स के सह संस्थापक और CEO विल मार्शल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में दो तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर मिसाइलों के साइलो दिख रहे हैं। विल मार्शल ने लिखा है कि चीन रेगिस्तान में 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइल साइलो बना रहा है। रक्षा एक्सपर्ट्स को लगता है कि अमेरिका और रूस की तरह चीन अपनी परमाणु क्षमता नहीं बढ़ा रहा, लेकिन वह सीमित दायरे में अपनी ताकत को इतना जरूर करना चाहता है कि परमाणु हमले की स्थिति में माकूल जवाब दे सके। इसलिए चीन अपने परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों के लिए साइलो का निर्माण कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।